कलश तोड़ दिया और आप चुपचाप खड़ी हो। हम फिर से कलश स्थापित करेंगे। और अगर उसने फिर से तोड़ दिया तो? कलश स्थापना हम नहीं बल्कि सुनैना दीदी खुद करेंगी। सुशील सिंह कभी भी प्यार से नहीं बदलेगा, उसके लिए तो दुर्गा का कोई उग्र रूप ही कुछ कर पाएगा। हम करेंगे उसका संहार। एक लड़की है जो सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए जीती है, जो सिर्फ एक प्यार के एहसास के लिए जीती है, और वही प्यार तुम्हें बदलेगा। तो फिर राजकुमार को तो आना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सच? राजकुमार आएगा? वो ज्योति से शादी करेगा और उसे अपने साथ अपने घर ले जाएगा? फिर वो समाज, बाबूजी, पंडित, वो लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे ना? वो लोग उन्हें नहीं मार पाएंगे ना? वो दोनों मिल जाएंगे ना? हाँ, वो लोग मिल जाएंगे और तुम अपने आप अपने हाथों से उन्हें मिलाओगी, लेकिन प्यार से। हाँ, सच में? सच। चलो हमारे साथ, हम आपको कुछ दिखाते हैं, चलो ना। अरे कहाँ लेके जा रही हो उनको, रुको ना। अरे आप देखेंगे नहीं तो आपके ऊपर भूत सवार नहीं होगा। कहाँ भूत सवार नहीं होगा? अरे आप पर ने प्यार का भूत सवार नहीं होगा। अरे चल के अपनी आँख से देखिए ना, तब ना आपको पता चलेगा कि तरेगनी को नव कितना प्यार करता है। क्या? अरे हाँ, देखिएगा फिर का बोलिएगा, चलिए ना। अरे पगला गई होगा, तुम अपने जैसे समझो होगा हमको, हम ताका जाके करेंगे। अरे ये सब हमसे नहीं होगा। हम तो कहते हैं तुम ठंडा दिमाग से कहानी सोचती हो। का? अरे ये जो लड़का है जो घर में आता जाता है, हाँ। तरीनी से मिलने के लिए, पता नहीं दोनों के बीच में क्या क्या होता होगा। अरे हम तो कहते हैं कि गांव में समाज उमाज है कि नहीं। अरे सजन माँ, ये बात तो हम बहुते सोचे, लेकिन लेकिन हमको ना बहुते डर लगता है। एक काम करो, आप ही कुछ करो, आप ही ना आग में एकदम घी डालो और भड़काओ गांव वालों को। नहीं तो तरेगनी का ब्याह एक बार हो गया और उसका घर बस गया तो हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा, सारा का सारा धन संपत्ति उन डब्बा लेके चला जाएगा। तो बस करो, अपने दिमाग में प्यार के भूत का हवा ज्यादा मत भरो और सोचने दो कि तरेगनी का घर धन संपत्ति हमारे हिस्से में कैसे आएगा, सोचने दो। इस जन्म तुम खूब ध्यान से सोचो, हम ना एकदम में डिस्टर्ब नहीं करेंगे तुमको। हम जाते हैं, काम है हमको बहुत। ठीक है। मौसा जी, कुशल मंगल? अच्छा बोले है। तो आप भी मौसी की तरह ही सोचते हैं? हम समाज को लाएंगे हमारे घर में ताकि वो हमारी जिंदगी में ताक झांक कर सके। नव और हमारा प्यार बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना आप लोग को? अरे वो बात नहीं, हम तो कायदे का बात कर रहे थे ना।
कायदे की बात तो बाबूजी भी किया करते थे, आपको तो पता ही होगा ना, आप शामिल जो थे उसमें। ज्योति और राजकुमार के प्यार के भनक नहीं लगी कि शादी के बहाने मंदिर जाते वक्त ही मार डाला दोनों को। इस बार भी ऐसा ही करना चाहते हैं ना? अरे नहीं। तो क्या करना चाहते, क्या करना चाहते हैं आप लोग? एक बात कान खोल के सुन लीजिए, कुछ भी करने से पहले ना हमें जरूर बता दीजिएगा। वैसे आप लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि मौसी और आप ना एक जहरीले सांप की तरह, फिर भी हम पाल रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे पास हर जहर का काट है। मौसा जी को बढ़िया सी लस्सी पिलाना, बहुत पसीना आ रहा है इनको। जाएं हम? देख रही हो? ओ, तो तुम अपनी दुनिया को निहार रही हो। क्या मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में दिख रहा हूं? तुम कैसे दिखोगे? तुम हमारी दुनिया में आ ही नहीं सकते। हमारी दुनिया में सिर्फ हमारी बहनें ही हैं। तो फिर मैं क्यों नहीं आ सकता तुम्हारी दुनिया में? मुझे भी तुम्हारी उस दुनिया में आना है। मुझे तुम्हारी वो दुनिया देखनी है, उस दुनिया को जीना है। मुझे तुम्हारी दुनिया में आना। तुम हमसे वादा करो, कभी भी हमारी दुनिया में आने की बात नहीं करोगे। हमारी बहनें हमारी दुनिया में इसलिए है क्योंकि वो मर चुकी है। से ना पैर पकड़ के माफी मांग लेते हैं। नब से काहे माफी मांगना है? मन का बात जानने वाला डॉक्टर, अभी चलेंगे ना तो फट से पकड़ लेगा कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। हम तो कहते हैं तरगनी जब अकेले हो और खुश हो तभी चल के माफी मांगेंगे।
ठीक है सजन माँ, जैसा आप कहें, लेकिन अभी हम लोग अंदर चलना चाहिए, नहीं तो तरेक ने देख लेगी तो पता नहीं क्या करे। चलो चलो चलो। हम अपनी बहनों के साथ हमारी दुनिया में रहेंगे। तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया। हमारी आंखें खुली थी। हमारी आंखें हमेशा खुली रहती है, हमें सब कुछ दिखाई देता है। जानता हूं मैं, तभी तो तुम्हें सब दिखाई देता है। मौसी जी, मौसा जी, बाहर आ जाइए। हमारे सामने आइए। आज गांव के लोग हमारे रिश्ते को लेकर बातें बना रहे हैं। कल उनकी बुरी नीयत हमारे सामने आएगी। लोग तुम पर उंगलियां उठाएंगे, मुझ पर उंगलियां उठाएंगे, तुम्हें बुरा ठहराएंगे, मुझे बुरा ठहराएंगे, और फिर एक दिन हमारा प्यार उनके लिए गुनाह बनकर रह जाएगा। बस तो क्या तुम शादी करोगे? हाँ। मौसी जी, मौसा जी, बाहर आ जाइए।
आजकल आप झांकती बहुत है मौसी जी। इतना ताका झांकी काहे करते हैं मौसी जी? वो क्या है ना, मंदिर है, पूजा करने आए होंगे तो तुम्हें पूजा करते हुए देखा होगा, तो सोचा होगा डिस्टर्ब ना करे, इसलिए जाके छुप गए होंगे, है ना? हाँ, अरे बिल्कुल सही कह रहा है। अरे किसी को डिस्टर्ब करना अच्छा बात थोड़ी है, हाँ? तारिगनी तो पूरा तल्लीन होके पूजा करती है, ऐसा लगता है जैसे देवी माँ साक्षात खड़ी हो। हाँ दिखाई देती है ना, अभी तो हम बताए कि हमारी आंखें बंद रहती है तो भी हमें सब दिखाई देता है, और जब हम पाठ करते हैं ना तो माता रानी साक्षात दिखाई देती है। अरे हम तो इतना जोर से आंख बंद करते हैं ना तब वो हमको कुछ दिखाई नहीं देता है। आप इधर उधर देखना बंद करेंगी, तांग चांग बंद करेंगी, तो जो आप देखना चाहती हैं ना वो आपको दिखेगा। सही कह रहे हैं दामाद जी। जी दामाद जी। हाँ? अरे अभी कहे दामाद जी कहते, ये दामाद जी तब होंगे ना जब तरगनी से इनका शादी होगा। डॉक्टर साहब अभी तो आते जाते हैं, क्यों डॉक्टर साहब? एक सुझाव दे का। जी कहिए। अरे अब तरगनी के जो है सब हम ही लोग ना है, अगर आप अपना समझे तो उस नाते एक बात करें। जी बोलिए। तेरी साइड में ही ना। देखिए आपको जो भी कुछ कहना है वो तरगनी के सामने कह दीजिए, साइड पे जाने की क्या जरूरत है। हाँ हाँ मौसा जी बोलिए ना, बोलिए। अरे वो हम कह रहे थे कि तुम दोनों ब्याह कर लो, इसे ना सब लोगों का मुंह ऐसा ही बंद हो जाएगा। मौसी रुको, ये हमको दे दो, हम दे देंगे, और तुम जाके नाश्ता बनाओ। क्या सोच रहे हो? ये लो कॉफी। अच्छा तो तुम ताका झाकी के बारे में सोच रहे हो? देखो मौसा जी ने जो कुछ भी कहा ना उनकी बातों पे ध्यान देना जरूरी नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी बातों से। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, आज गांव के लोग हमारे रिश्ते को लेकर बातें बना रहे हैं, कल उनकी बुरी नीयत हमारे सामने आएगी, लोग तुम पर उंगलियां उठाएंगे, मुझ पर उंगलियां उठाएंगे, तुम्हें बुरा ठहराएंगे, मुझे बुरा ठहराएंगे।
और फिर एक दिन हमारा प्यार उनके लिए गुना बनकर रह जाएगा बस। तो क्या तुम शादी करोगे? हाँ। जब तक तुम अपना घर नहीं बसाओगी तब तक दूसरे का घर कैसे बसाओगी? देखो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी वरना ये समाज ये लोग हमें अलग कर देंगे। नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी बहनें हमें स्वार्थी कहेंगी। और एक दिन हमारा प्यार उनके लिए गुना बनकर रह जाएगा बस। तो क्या तुम शादी करोगे? हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पहले हमें हमारी बहनों का घर बसाना है। तरेगी जब तक तुम अपना घर नहीं बसाओगी तब तक दूसरे का घर कैसे बसाओगी? देखो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी वरना ये समाज ये लोग हमें अलग कर देंगे। नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी बहनें हमें स्वार्थी कहेंगी। देखो तुम अपनों को समझा सकती हो पर ये समाज को वो देखो देखो तुम्हारी मौसी कैसे ताका झाके कर रही है। कैसे छुप छुप के हमारी बातें सुन रही है। तो इनकी नीयत में पट्टी नहीं डाल सकते ना। लेकिन हम इनकी ताक झांक को बंद तो कर सकते हैं। हमें सोचना होगा और हमको हमारी बहनों से भी बात करनी है इस बारे में। माई से भी बात करना चाहते हैं हम। ठीक है पापी कोई होवे नहीं करेगा। और इस पाप से तभी हमको मुक्ति मिलेगा जब हम तुमरे माँ बाप का फर्ज पूरा कर देंगे। आज से हम तुमरे बाप हैं और हम तुमरी मौसी माँ।